Yes. The wedding angel browns विले जो आपकी शॉर्ट लिखा हुई है उसका पार्ट टू नेक्स्ट। पिछले वीडियो में बताया कि अब्राहम मिल्कास एक बहुत बड़ा लैंडमैन है, उसकी बेटी की शादी में जा रहे हैं डॉक्टर साहब, और जब वो शादी में जा रहे हैं तो डॉक्टर कहते हैं के लिए शादियां मैरिज हमेशा एक बर्डन है बोझ, ये आपके पार्ट के पीछे क्वेश्चन है क्यों है। आपको बताया डॉक्टर मार्केटिंग अपने पैसे के प्रति बहुत समर्पित है, वो अपने पेशेंट की निशुल्क दवाइयों से बेड बिस्तर उपलब्ध कराते हैं और भोजन फ्री देते हैं, सप्ताह में एक दिन रविवार का मिलता है जो अपनी पत्नी ग्रेटर के साथ बिताने का मौका मिलता है, ग्रेटर वाइट है उसकी। लेकिन आज जो निमंत्रण मिला वो संडे के दिन का ही है, संडे वो रविवार का दिन था जब अब्राहम मिल्कास की बेटी की शादी है। डॉक्टर साहब उस शादी में आए तो शादी तो बोझ को समझते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनको हर मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी समाज की, ही अटेंड एवरी मीटिंग ऑफ द ज्यूइश, ही नेवर स्पेंड टाइम टू स्पेयर विद हिज वाइफ ग्रेटर, पहली बार हमेशा बिजी रहते थे। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात थी कि उनके पास समय का अभाव था, एक रविवार का दिन मिला वो भी आज एक निमंत्रण आ गया और वो वहां जाए कर तो ग्रेटर से कहते हैं ग्रेटर के साथ अपने साथ शादी में ले जा देता है, ग्रेटर जाने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी पत्नी को ग्रेटर को शादी में इसलिए नहीं ले जाते हैं, ध्यान रखने की बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर मार्गरेट ने जो ग्रेटर से शादी की थी वो यहूदी रीति रिवाज के अनुसार नहीं की थी, ही डिड नॉट ही हैड मैरिड हर नॉट अबाइडिंग ज्यूज कस्टम्स। डॉक्टर मार्गरेट ने ग्रेटर से यहूदी रीति रिवाज शादी नहीं की, किसी लोगों से नफरत करते थे। दूसरी बात सबसे बेकार बात कि जो लोग यहूदी थे जो अमेरिका में आकर बस गए थे They had started ड्रंक, उन्होंने शराब पीना प्रारंभ कर दिया था, गोले वाले लोग थे। They had got married with क्रिश्चियन, यहूदी क्रिश्चियनों से शादी करना आपस में इंटरकास्ट मैरिज होने लगी थी, उनको डॉक्टर मार्गरेट को पसंद नहीं था। सबसे बेकार जो बात क्या थी कि दे लाइक या स्पेंडिंग म्यूजिक कारण का वो इतने तेज साउंड में आवाज में वो संगीत चलाते थे कानों के पर्दे पड़ जाए, ये डॉक्टर मार्गरेट अनरूली डांस बेहूदा नृत्य करके स्त्री स्त्रियों के साथ पुरुष पुरुषों के साथ या स्त्री पुरुषों के साथ एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, ये यहूदी समुदाय के बोले वाले लोगों ने क्रिश्चियन समुदाय की संस्कृति को अपना लिया अमेरिकन शब्द, ये एक शब्द है आपके लेसन में अमेरिकन GUDASN डॉक्टर मार्क ट्विन को अमेरिकन यहूदी संस्कृति को पसंद नहीं थी, वाज मैस मैस यानी घाट में बेकार लगती थी, क्यों इन लोगों ने शराब पीना प्रारंभ कर दिया यहूदियों ने, इन्होंने क्रिश्चियनों के साथ शादी करना प्रारंभ कर दिया, दे लाइक क्लियर स्पेंडिंग करण कट म्यूजिक पसंद करते थे, अंडूली डांस पसंद करते थे, शराब पीते थे, ये सारी चीजें देख करके उसको शर्मिंदा होना पड़ता था अपनी पत्नी ग्रेटर के साथ, इसलिए वो ग्रेटर को शादी में नहीं ले जाते थे, शादियां उसके लिए हमेशा बोल रही वो तेलिए भोजन नहीं करते थे जो इसमें फैट ज्यादा होती है वसा ज्यादा होती है इससे ही बचते थे, लेकिन आज तो एक बहुत बड़े लैंडमैन की बेटी की शादी है इसलिए वो ब्राउन सिले में जा रहे हैं। तो डॉक्टर मार्गरेट दूसरी बात उन्होंने बताया कि वे
distorted, Jewish, culture, it all reflected their dressing, makeup, music, ornaments, ये जो उनकी कपड़े का पहनावा था योगियों का ब्राउन सिटी में या न्यूयॉर्क में, उनका जो मेकअप सौंदर्य प्रसाद के संसाधन थे, म्यूजिक का ऑर्नामेंट जो आभूषण पहनते थे, इन्होंने बिल्कुल यहूदी संस्कृति का सफाया कर दिया था। ये सब चीजें डॉक्टर मार्विन को पसंद नहीं थी। वो तरह तरह की गोल्ड ओपियल, वो रेड कलर की, कोई ब्लैक कलर की और कॉफी पहनते थे। इन सब से डॉक्टर मार्विन को शर्मिंदा होना पड़ता था अपनी पत्नी ग्रेटल के सामने, इसलिए वो ग्रेटल को तो ले जा रहे हैं। डॉक्टर मार्विन गांव से ले जाते हैं, उन्होंने गाड़ी हायर की, टैक्सी वाला बैठ करके चल दिए। बहुत लंबा रास्ता था, मार्गों को बहुत ज्यादा योगदान भी हुआ, एक एक्सीडेंट भी हुआ। जैसे जैसे वहां पहुंचे, जब वो वहां पहुंचे तो कभी उस ग्राम से नाम स्थान पर गए ही नहीं थे। तब वहां देखा कि आप जानते हो डेविड स्टार, जो कि यहूदी डेविड स्टार का चिन्ह होता है जिसको यहूदी बहुत शुभ मानते हैं। वो अपन जब किसी मैरिज होम में जाते हैं तो बहुत बाहर से डेकोरेटेड होता है। तो एक स्थान था जहां बहुत ज्यादा राइडिंग हो रही थी, बहुत लोगों की चेयर फिल थी, और जैसे उसने डेविड स्टार देखा तो उसने उस टैक्सी वाले से कहा कि आप गाड़ी अलाउ की और अपने पर्स में से पैसे निकाल के उसको देते हैं और वो वहां से चल। जैसे ही उस लॉबी में प्रवेश किया तो वहां जो दृश्य देखा डॉक्टर मार्गरे ने, वहां टोटल जो व्यक्ति थे वो टोटल जोविस यहूदी थे। किसी ने गोल्ड टोपी, किसी ने नुकूली टोपी, किसी ने रेड कलर की, इसको अलग अलग प्रकार की टोपियां पहन रखी थी, बहुत सारी शराब की बोतलें रखी हुई थी, तरह तरह के व्यंजन थे, मांसाहारी शाकाहारी हर तरीके से लोग शराब पी रहे थे, कोई भोजन कर रहे थे, कर्म कटु म्यूजिक, ईयर स्ट्रेटिंग, बहुत जो कानों के पर्दों में छेद ऐसा म्यूजिक चल रहा था, अंडरवी डांस हो रहा था, लोग नशे में धुत थे, जैसे तैसे एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। उस भीड़ में जगह बना करके डॉक्टर मार्विन ने पहुंचा तो बहुत सारे वहां लोग ऐसे लोग थे जो डॉक्टर मार्विन को जानते थे, कुछ ऐसे थे जो नहीं जानते, जो बाद की जनरेशन जिनको वो भी नहीं जानता था। वहां कुछ लोग ज्यादा ही परिचित थे, डॉक्टर मार्विन ने बुलाया, आइए डॉक्टर साहब, कोई उनके ऊपर व्यंग कस रहा था, अरे आप डॉक्टर हो गए, आपको समाज से क्या लेना देना, आपको कुछ मर्ग को घोषित करते हैं, आप अपनी पत्नी को साथ इसलिए नहीं लाए कि हमारी यहाँ संस्कृति बेकार, तरह तरह के व्यंग कस रहे थे। डॉक्टर मार्विन उन सब चीजों को देख रहा था, उसने बिल्कुल न वहां पानी पिया, न वहां का अन्न जल ग्रहण किया, न वहां से कोई शराब पी, फिर भी वो अपने आप में एक नशे से महसूस कर रहे थे। वहां जितने भी जो लोग थे वो सब आपस में एक दूसरे से बहुत तेज स्वर में, जितने तेज म्यूजिक चल रहा था तेज स्वर में बातें कर रहे थे। तभी अचानक डॉक्टर मार्विन का सामना एक लड़की से होता है, और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये पूरा जो लेसन है आगे चलकर जो कहानी में ग्राउंड स्ट्रीम में डॉक्टर मार्विन को इल्यूजन हो गया, आई डबल एन यू एस आई ओ एन, इसको इंडियन कहते हैं भ्रम। और बचपन में वो अपनी प्रेमिका थी राही रवि से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, और उससे शादी नहीं कर पाने का उसके मन में बहुत बड़ी रंज थी, पीड़ा थी। अचानक उसको एक लड़की दिखाई देती है, वो लड़की उसकी तरह मुस्कुराती है, उसको पास बुलाती है, और वो ये देखकर आश्रय करता है कि कहीं मैंने इस लड़की को देखा है, ना तो वो ज्यादा जवान है, ना वो वृद्ध है, उसके लंबे बाल हैं, बालों में वो गजरा लगा हुआ है, वो सुनहरी आंखें, वो मुस्कान, सब उसको ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि मानो कि उसकी प्रेमिका, ये उसको भ्रम हो गया, राइडल हो। तब उसने उस लड़की से पूछा कि आर यू सेंसिमिन, मैंने क्लियर किया फर्स्ट में सेंसिंग मीन्स, क्या आप सेंसिमिन से हो, अर्थात आप वहां से आकर के यहां शरण लिए। उस लड़की का यस आई एम सेंसिमिन, डॉक्टर मार्विन कहता है बट आई डिड नॉट नो। वो लड़की कहती है यू नो मी आई नो यू, उसने कहा आप मुझे जानती हो तो बताओ, यू आर द डॉटर ऑफ द टीचर, यू आर द सन ऑफ द टीचर, यू केम टू माई हाउस फॉर टू रीड द न्यूज पेपर, उसने कहा हु आर यू, उसने कहा उस लड़की ने आई एम राइजर, और ये सब सुनकर के तो डॉक्टर साहब के पैरों के नीचे
उसने कहा आई हियर दैट यू एंड योर हस्बैंड वर सो डेड बाय द राजी, आपको आपके पति को, उसने कहा दैट इज रॉन्ग, उसको यकीन नहीं हुआ तो उसने कहा आई एम डॉक्टर ऑफ वासनिका। तो डॉक्टर मार्गोलिन को बहुत व्यू हो गया कि ये तो उसी घड़ी निर्माता की बेटी है, मेरी प्रेमिका राइडर। उसने कहा तो आप अगर जिंदा थी और यही इस ब्राउन्स फील्ड में तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। वो करिए आई डोंट नो वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। और डॉक्टर मार्गोलिन को तो बड़ा भ्रम हो गया कि आज मुझे मेरी बचपन को इच्छा पूर्ति करने का मौका मिल गया कि मैं अपनी प्रेमिका से आज यह शादी रचा सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टर मार्गोलिन ने ग्रेटल से जो शादी की थी वो यहूदी रीति रिवाज के अनुसार नहीं थी। तो डॉक्टर मार्गोलिन को भ्रम हुआ कि ये जो लड़की है वो तो मेरी राइजर है, मेरी बचपन की प्रेमिका है और जिसे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, मैं आज उससे शादी करना चाहता हूँ। वो राइजल का हाथ पकड़ करके उस लॉबी में से, उस पूरे हॉल में जहाँ खर्चा खर्च यहूदियों से भरा हुआ है, उधर सामने मंडप लगा हुआ था अब्राहम लिंकन की बेटी सिंथिया की शादी थी। वो दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ मंच पर आ चुकी थी, लेकिन कोई एक मेहमान था जो नहीं आया था, उसका क्यों इंतजार हो रहा था। उसी समय डॉक्टर मार्गोलिन अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ करके उस लॉबी से बाहर निकल गए। वहां दूर एक स्थान पर एक मंडप कैनोपी, जैसे शादी के समय जो विवाह मंडप बनाया जाता है, CANOPY कैनोपी विवाह मंडप बना हुआ था। वहां एक बेंच लगी हुई थी, मदिरा की बोतल थी, एक प्लेट थी चांदी की, वो रखी हुई थी और वहां कोई नहीं था। मंदिर के उसके जो गेट थे वो खुले हुए थे। डॉक्टर मार्गोलिन अपनी प्रेमिका राइजर को लेकर वहां जाते हैं, वहां एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। तभी उसको दिमाग में आता है अगर ये राइटर है और मैं इसे शादी करूंगा तो मेरी ग्रेटल का क्या होगा, क्योंकि ग्रेटल को शादी नहीं लेके आता, ग्रेटल इज वाइफ ऑफ डॉक्टर मार्गोलिन। तो अपने आप में मन करता है मैंने वैसे भी ग्रेटल से कोई यहूदी रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं की है, तो मैं उसको मेरी संपत्ति का अब तक जो मैंने कमाया है उस सब उसके नाम कर दूंगा, लेकिन आज मैं अपनी प्रेमिका राइटर से शादी करूंगा। वो दोनों प्रेमी और प्रेमिका उस कैनोपी में बैठ जाते हैं, बहुत देर वार्तालाप करते हैं, पुरानी बातों से लेकर के आज तक का जो समय बीता उसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर मार्गोलिन बेहद खुश थे, तब उसने लड़की ने कहा कि अगर आप वास्तविकता में, डॉक्टर मार्गोलिन ने पूछा आर यू सिंगल या सिंगल करते हैं अनमैरिड से, तो उस लड़की ने कहा यस आई एम सिंगल, दैट मीन्स शी हैड नॉट मैरिड विद एनी पर्सन और इससे उनको बहुत पसंद आती है। तभी डॉक्टर मार्गोलिन ने कहा मेरे पास आपको पहनाने की अनुमति नहीं है। उस लड़की ने कहा कि ठीक है अगर अनुमति नहीं है, एक यहूदी एक लड़की से एक सिक्का देकर भी शादी कर सकता है। और डॉक्टर मार्गोलिन ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला, तो जैसे जेब में हाथ डाला द पर्स वाज मिसिंग ऑल दीज आर इल्यूजन, ये पति भ्रम है, वो वहीं खड़ा हुआ है। वो उस पूरे उस शादी के मंडप में अचानक उसको अपनी बचपन की आवाज आ जाती है और जेब में हाथ दिया तो देखता है उसका पर्स गायब है, आधार उसके पास एक कॉइन नहीं है ताकि वो अपनी प्रेमिका राइजर को दे सके, उससे शादी रचा सके। फिर उस लड़की ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके पास सिक्का नहीं है तो जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक हम अच्छी बातें करते हैं, मुझे इसी से खुशी होगी। और इस प्रकार डॉक्टर मार्गोलिन को वेडिंग ब्राउन्स में एक मती भ्रम हो गई थी, ये उसकी बचपन की प्रेमिका दिखाई, तभी उसको एहसास हुआ ये मेरी राइडर नहीं हो सकती, हो सकता है राइडर की बेटी हो जो मेरे साथ खेल खेल रही हो, मेरी ये राइडर नहीं हो सकती क्योंकि वो तो मानी जा सकती। उसको उस बात का पता है, मैं आपको पहले क्लियर किया कि द पेरेंट्स ऑफ डॉक्टर मार्गोलिन एंड इज विदाउट राइजर एंड हस्बैंड वर सूट डेड बाय नाजी, वो मर चुकी है। लेकिन इस ग्राउंड प्ले स्थान पर अचानक उसको जो एक लड़की मिलती है वो एक प्रतिबंध के रूप में दिखाई देती है अपनी प्रेमिका राइजर के रूप में। डॉक्टर मार्गोलिन का मतिक्रम था, इलिजन था और कोई नहीं था। इस प्रकार ये कहानी पूरी होती है और डॉक्टर मार्गोलिन को एक भ्रम हो गया था कि उसका मुकाबला, उसका सामना उसकी बचपन की प्रेमिका राइजर से हुआ है। राइजर से वो वहां से आने इसलिए नहीं कर सका था, सोशल डिफेंड के नाम। जब दोबारा उसका मुकाबला हुआ तो डॉक्टर साहब के पास क्या नहीं था, एक कॉइन नहीं था, इस पर्स वाज मिसिंग, जबकि आपको पता है पर्स भी नहीं है, उसने उसको टैक्सी वालों को बुलाया गया है, वो वहीं खड़ा हुआ। तभी अचानक सारा दृश्य उसके आंखों के सामने चढ़ता है और वो देखता है कि मंच पर दुल्हन सजकर बैठी हुई है, वो जो को रिलेटिव था जिसका इंतजार किया जा रहा था वो वहां पहुंच चुका है।
अपनी ब्रिटिश इंडिया को विदा कर रहा है और धीरे धीरे सभी लोग उस लॉबी में से उस हॉल में से गायब हो गए और डॉक्टर मार्गोलिन भी अपने उस जो विस्मृत अवस्था में चले गए थे, जबकि वहां उन्होंने फिर रिपीट कर रहा हूं कोई शराब नहीं पी, किसी प्रकार का व्यंजन नहीं खाया, लेकिन ये उनके पति भ्रम हो गया था और उन्होंने अपनी प्रेमिका को देखा है राइडर को और जब उसको होश आया तो लड़की से जिंदगी का विदा हो चुकी थी, मंडप धीरे धीरे खाली हो चुका था पूरा और एक एक डॉक्टर मार्गोलिन को इस तरह का अपनी राइडर का उन्हें एहसास हुआ। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी।